अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑथराइजेशन पर काम करेंगे। तो उसमें देखिए हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अभी हम लॉगिन राउट पे हैं और ये पोस्टमैन टूल में मैंने इसको ओपन किया हुआ है। जैसे मैं सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सक्सेस रिस्पॉन्स मिलता है, फिर मैसेज और फिर यूजर का डेटा हमको यहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर हमको प्राइवेट राउट पब्लिक राउट क्रिएट करना है बैकएंड पे तो फिर हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर तो डायरेक्टली हो रहा है ना, अब सेम लॉगिन की मदद से क्या हो गया, एक बार कोई भी एप्लीकेशन में लॉगिन हो गया तो फिर कोई भी राउट को वो एक्सेस कर सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑथराइजेशन की मदद से जो है प्रिवेंट करेंगे कुछ राउट्स को। सभी को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर यूजर स्पेसिफिक या फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो भी राउट रहेंगे उसमें एक मिडलवेयर बना देंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। यानी हमको पता होना चाहिए जो भी लॉगिन यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टोकन क्रिएट कर सकते हैं। अब डायरेक्टली नोड जीएस में तो टोकन हम क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि मैनुअल बहुत सा सेटअप हमको उसमें करना पड़ता है। तो इससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप गूगल पे जाइए, जैसे मैं फायरफॉक्स में हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जेसन वेब टोकन, मोस्ट पॉपुलर पैकेज है और मॉडर्न डे में यही ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, आप जो है इसको इन डिटेल भी देख सकते हैं। हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे, ये इनकोडेड वैल्यू है। जैसे आप जो है टोकन क्रिएट करेंगे तो आपका जो भी डेटा है कुछ इस तरीके से जो है एक इनकोडेड डेटा में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको डिकोड होने के लिए एक सीक्रेट की चाहिए जो कि हम सेपरेटली जो है इसको क्रिएट करेंगे, उसकी मदद से ये डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। और एक्सट्रैक्ट होगा तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, जो भी वैल्यू है आपके उसमें तो वो यहाँ पर शो होंगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के केस में सब्जेक्ट नेम फिर एट कब क्रिएट हुआ, तो ये सारी चीजें हैं, ये बाई डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है टोकन के साथ में। और यहाँ पर ये HS256 का जो है अल्गोरिथम यूज करता है बाई डिफॉल्ट। आप इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं, डिफॉल्ट सिक्योर है। अगर आपको और भी इसमें ज्यादा देखना है तो आप नीचे स्क्रॉल करिए, सारे एग्जाम्पल आपको देखने मिल जाएंगे, और भी कौन सी लाइब्रेरीज हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ऊपर देखिए यहाँ पर लाइब्रेरीज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देख सकते हैं आप डॉट नेट, और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बर्न, एडे, बहुत सी लैंग्वेजेस है, पता नहीं कौन कौन से हैं। हम क्या करेंगे हमारी नोड जेएस के एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करने वाले। आप चाहें तो यहाँ पर सभी को वन बाय वन देख सकते हैं, इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे इसको जो है ना एनपीएम जेएस पे सर्च करेंगे, या फिर सजेशन देख लेता हूँ यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर एनपीएम जेएस पे आ रहा है ना, तो इसको आप ओपन करिए। यहाँ से भी आप जो है अच्छा इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है और नीचे कैसे यूज करना है वो भी लिखा होगा, एक बार नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में साइन का मेथड है, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट किस बेसिस पे आप जो टोकन क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी वैल्यूज है हम उसको स्टोर करा सकते हैं, यानी हम यूजर को इसके अंदर स्टोर करा देंगे। उसके बाद में फिर सीक्रेट की आपको पास कराना पड़ता है। उसके बाद में अगर आपको अल्गोरिथम चेंज करना है तो डायरेक्टली आप अल्गोरिथम को प्राइवेट की मदद से टारगेट कर सकते हैं, आप जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है, कितने टाइम तक आपको इसको रखना है, यानी वैलिडेशन भी इसके अंदर होता है। मान लीजिए हमको 1 दिन का चाहिए, 1 घंटे का चाहिए, या फिर 7 दिन, 1 महीना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट डेट का यूज करके भी कर सकते हैं। हम देखेंगे इसको डेज में कन्वर्ट कर देंगे। और क्या है इसमें, देखिए एक्सपायर सीन है ना, एक्सपायर सीन है तो इसका हम यूज कर लेंगे। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए बहुत सी चीजें हम डायरेक्टली इसका यूज कर लेंगे तो ज्यादा हमको भी आसानी होगी। देख सकते हैं आप कितना पॉपुलर पैकेज है, कौन सा वर्जन इसका चालू है, और छोटा सा पैकेज है। तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन कमांड हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, आप इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद चलते हैं वापस वीएस कोड में और टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं, यानी इसको हम क्या करेंगे टर्मिनेट कर देंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ, npm i json web token, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए तो ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा सा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देखिए ये डाउनलोड हो गया, इसको आप पैकेज जेसन की फाइल में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जेसन वेब टोकन 9.0 का वर्जन जो है इंस्टॉल हो चुका है, अब इसका हम यूज कर लेंगे। तो साथ ही में मैं एप्लीकेशन को रन भी कर देता हूँ tls, और यहाँ पे npm रन सर्वर, तो हमारा सर्वर फिर से रन हो जाएगा। और आप इसके लिए जो है सेपरेट मिडलवेयर फंक्शन भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे इसको जो है ना यूजर मॉडल के अंदर ही कंटिन्यू कर लेंगे। यूजर मॉडल के अंदर जैसे हमने फंक्शन बनाया था ना कंपेयर फंक्शन, उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे टोकन के लिए भी एक सेपरेट फंक्शन बना लेंगे, और इसको कंट्रोलर के अंदर हम यूज कर सकते हैं, लॉगिन के टाइम पे, रजिस्टर के टाइम पे, दोनों टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ JWT टोकन कर देता हूँ इसको, और टॉप पे इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा पहले शुरू। सो आप क्या करें टॉप पे इसको इम्पोर्ट कर दें, इम्पोर्ट इसको हम करेंगे JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, तो शॉर्टकट में इसको लिखते हैं JWT। और इसके लिए हमको एक सीक्रेट की भी बनाना पड़ता है। पहले हम क्या करेंगे फंक्शन बना लेंगे, उसके बाद में फिर .env फाइल के अंदर हम क्या करेंगे इसका एक सीक्रेट की भी बना लेंगे जिसकी मदद से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो
तो चलिए नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन बना लेंगे। तो यूजर स्कीमा को हम टारगेट करेंगे, यूजर स्कीमा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। सो मेथड्स, और उसके बाद में फंक्शन का नाम जनरेट टोकन। तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं, या फिर JWT टोकन भी आप इसका नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा, फिर नॉर्मल फंक्शन रहेगा ये फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन को क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको रिटर्न करना है टोकन को साथ ही में, सो JWT डॉट, फिर उसके बाद में हमारे पास बहुत से फंक्शन है, तो टोकन क्रिएट करने के लिए हमको जो है साइन फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, किस बेसिस पे आप करना चाहते हैं वो बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर आईडी के नाम से एक फील्ड बनाएंगे, और कौन सी फील्ड से इसको रेफरेंस देंगे, रेफरेंस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे यूजर लॉग इन होता है तो बाई डिफॉल्ट हमारे पास एक अंडरस्कोर आईडी की फील्ड आती है, यानी ये NoSQL डेटाबेस का फीचर है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे ना NoSQL डेटाबेस में, तो ऑटोमेटिकली एक यूनिक यहाँ पर आईडी बन जाती है। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको पास करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टारगेट कर लेंगे इसको, दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी। और अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे मॉडल के अंदर कोई भी अंडरस्कोर की फील्ड नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट ये क्रिएट हो जाती है, तो हमको मैनुअल यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमने देखिए ऑब्जेक्ट को पास करा दिया, इसके बाद में आपको जो है सीक्रेट की को पास कराना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेंगे, प्रोसेस फिर डॉट ENV, यानी इन्वायरमेंटल वेरिएबल में से हम इसको यूज करेंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ JWT अंडरस्कोर सीक्रेट। यही नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी अगर आप इन फ्यूचर भी प्रोजेक्ट करेंगे तो सेम नाम आपको देखने मिलेगा अगर आप टोकन यूज करते हैं तो। उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एक्सपायर्ड इन, यानी कब तक कि ये टोकन वैलिड रहेगा। हम क्या कर लेंगे, इसको 7 डे कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा ये। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं लॉग इन के टाइम पे, रजिस्टर के टाइम पे, दोनों टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलते वापस यूजर कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर देखिए हमारे पास लॉग इन कंट्रोलर है ना, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो सारे वैलिडेशन जैसे हमारे पास हो जाते हैं ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोकन, और यहाँ पे हम इसको कैसे यूज करेंगे, मैं एक वेरिएबल के अंदर भी इसको स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर यूजर का इस्तेमाल करेंगे, यूजर, फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर टोकन को क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, सो हमने जो भी फंक्शन का नाम लिखा है, देखिए मॉडल के अंदर हमने क्या नाम दिया इसका, जनरेट टोकन, तो इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जनरेट टोकन। तो ये कॉल हो गया, सेव कर लेते हैं इसको, और साथ ही रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, यूजर के बदले, अब यूजर में रिमूव कर लेता हूँ, इसके बदले हम यहाँ पर टोकन का इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर यूजर भी रहने देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर मैं टॉप पे क्या करता हूँ, टोकन को ऐड कर देता हूँ, देख सकते हैं आप टोकन है, उसके बाद में फिर यूजर है। सेव कर लेंगे इसको, और इसको टेस्ट कर लेंगे कि ये सही से काम करता है या नहीं। तो चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए बॉडी में हमारे पास डेटा है, मेक श्योर आपके पास भी करेक्ट डेटा हो, तो इससे आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग इन करना है। फिर से मैं सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर एरर है, देख सकते हैं आप। तो चलिए टर्मिनल में एक बार देख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए सीक्रेट की, अच्छा हाँ हमने की तो बनाया नहीं ना, तो आपको क्या करना है, .env के फाइल में जाना है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक न्यू JWT अंडरस्कोर के नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सो आप लिखेंगे JWT अंडरस्कोर सीक्रेट, और यहाँ पे आप जो है कोई भी सीक्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ माई सीक्रेट वैल्यू 123, और ये है सीक्रेट वैल्यू। सेव कर लेते हैं इसको .env की फाइल में, जब भी चेंजेस करेंगे तो सर्वर को आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से हम टर्मिनेट कर लेंगे, कंट्रोल सी CLS, वापस से मैं इसको रन कर देता हूँ, NPM रन सर्वर। तो हमारा सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप, और डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है। चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पे मैं फिर से सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर सक्सेस ट्रू, और यहाँ पर वैल्यू देखिए टोकन बराबर से आ रहा है। तो हमारी एप्लीकेशन में टोकन की फंक्शनैलिटी एनेबल हो गई। अब आप चाहें तो उसको कुकी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है कमेंट करते हैं कि कुकी में इसको स्टोर करिए। तो देखिए कुकी में कोई इतना हार्ड नहीं है, उसके लिए अलग से एक पैकेज आता है, मैं आपको बता देता हूँ। NPM JS पे जाइए, और यहाँ पे आप सर्च करिए कुकी पार्सर, इतना आपको सर्च करना है, सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कुकी का यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और कुकी में आप जो है टोकन को भी पास करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, पहले शुरू मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस पैकेज को भी इंस्टॉल कर लेंगे हम। यहाँ से मैं टर्मिनेट कर देता हूँ एप्लीकेशन को, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कमांड को पेस्ट कर देता हूँ, NPM आई कुकी पार्सर। तो ये पैकेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कुकी को भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। कुकी का जो भी डेटा रहेगा उसको हमको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, पैकेज जेसन फाइल में आप देख सकते हैं।
कुकी पार्सर भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इसको कैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, जैसे रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं ना, यूजर कंट्रोलर के अंदर आपको जाना है, और डायरेक्ट हम यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं ना, तो स्टेटस के बाद में आप सेंड से पहले क्या करें, यहाँ पर कुकी का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे कुकी। कुकी क्या है, ये भी एक फंक्शन है, इसका हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू बता देंगे कौन सा वेरिएबल हम क्रिएट करना चाहते हैं। टोकन के नाम से हम क्या करेंगे, कुकी को क्रिएट करेंगे। उसके बाद में फिर रेफरेंस, यानी क्या डेटा इसके अंदर रहेगा। सो हम क्या करेंगे, जो भी टोकन का वेरिएबल है इसमें पास करा देंगे। और उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा सेटिंग्स इसके अंदर होती है, यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसिस का इस्तेमाल करें, और इसका मल्टी लाइन भी आप कर सकते हैं। मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं इसको। और इसके अंदर जो है हमको एक फंक्शन मिलता है एक्सपायर का, तो उसका हम यूज करेंगे, सो एक्सपायर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू डेट। डेट फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, और डेट डॉट नाउ का मैं यूज कर लेता हूँ। और इसको फर्दर इनहेंस भी हम कर सकते हैं, यानी कितने टाइम के लिए आपको ये कुकी चाहिए, तो उसके लिए आप जो है गूगल भी कर सकते हैं, आपको बहुत से फंक्शंस मिल जाएंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इसको हम 10 डेज तक रख लेंगे। तो 10 × 24 × 60 × 60 × 1000 मिली सेकेंड, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेंगे कि ये सही से काम करता है या नहीं। और थोड़ा सा कोड हमारा बड़ा हो गया, आप इसको जो है फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना काफी है, बाद में हम देखेंगे इसको रियूजेबल कंपोनेंट के अंदर, यानी रियूजेबल फंक्शन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक, बाद में हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो चलिए मैं फिर से एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, देखते हैं कुछ एरर है या फिर सक्सेसफुली एप्लीकेशन रन हो रही है। तो अभी फिलहाल तो देखिए परफेक्टली ये रन हो रही है, देख सकते हैं आप हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। इसको टेस्ट कर लेंगे हम, चलते हैं वापस पोस्टमैन के अंदर। और फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर एरर आ रहा है, देख सकते हैं। चेक कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस टर्मिनल में, और यहाँ पर ऑप्शन एक्सपायर्स इज इनवैलिड। ओके, तो एक्सपायर्स का जो ऑप्शन है ना वो इनवैलिड आ रहा है, तो एक बार गूगल करके देख लेंगे इसको। तो गूगल कर लेता हूँ मैं यहाँ पर एक्सपायर्स नोड जेएस, और यहाँ पर कुकी मैनेजमेंट इन एक्सप्रेस कोई भी एक आर्टिकल देख लेंगे यहाँ पे कैसे यूज किया हुआ है। अच्छा, कुकी पार्सर को भी हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो मेन फाइल में हम इसको इम्पोर्ट कर देंगे। और यहाँ पर कुकी कैसे सेंड किया हुआ है, रिस्पॉन्स कुकी, कुकी नेम और कुकी वैल्यू, और एक्सपायर इन नहीं है ना इसमें, तो मैं रिमूव कर लेता हूँ ये ऑब्जेक्ट को, इसको हम टेम्प्रेरी जो है रिमूव कर लेंगे। सेव, और सर्वर डॉट जे एस में हम इसको इम्पोर्ट कर देंगे, तो सर्वर डॉट जे एस की फाइल, और यहाँ पे मैं इसको इम्पोर्ट कर देता हूँ। तो आप भी क्या करें, कुकी पार्सर को इम्पोर्ट कर दें, ये एज अ मिडलवेयर काम करेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कुकी पार्सर फ्रॉम, फिर कुकी पार्सर, इस तरीके से हमने इसको इम्पोर्ट कर दिया एक्सप्रेस के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे। सो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नहीं सॉरी, एप डॉट यूज का इस्तेमाल करेंगे। सो नीचे आते हैं, यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे क्योंकि ये मिडलवेयर है। सो एप डॉट यूज ऑफ, और इसमें हम क्या करेंगे, कुकी पार्सर को कॉल कर लेंगे, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन में, और फिर से सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर बराबर से सक्सेस मैसेज आ गया, और कुकी आया है नहीं, चेक कर लेते हैं। हेडर्स के अंदर हम देख लेंगे, हेडर्स, हेडर्स के अंदर है देखिए कुकी, कुकी के अंदर हमारे पास है टोकन की वैल्यू, देख सकते हैं, और इसमें हमारे पास टोकन का वेरिएबल है। इसको डिलीट कर देंगे ना यहाँ से, देखिए अब ये एम्प्टी हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब मैं फिर से जो है लॉग इन कर लेता हूँ, जैसे कि बॉडी पर क्लिक करते हैं, सेंड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए लॉग इन सक्सेसफुल। कुकी पर क्लिक करेंगे तो टोकन क्रिएट हो चुका है। कैसे चेक करेंगे इसको, आपको जाना है हेडर्स सेक्शन में, हेडर्स के अंदर, और यहाँ पर देखिए कुकी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसका व्यू अगर मैं चेंज कर लूँ, जैसे कि टू पेन व्यू है ना, इसको बंद कर देता हूँ, तो बराबर से यहाँ पर देखिए कुकी का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं नेम वैल्यू के अंदर टोकन है, फिर इसका डोमेन पाथ एक्सपायर सेशन है, HTTP ओनली, फिर सिक्योर, तो ये सारी चीज़ें आप इसकी सेटिंग बाद में भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं, .env की फाइल में जाइए, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट मोड जो है डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि नोड env इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ डेवलपमेंट, यानी हम अभी डेवलपमेंट मोड में काम कर रहे हैं, जब प्रोडक्शन पर काम करेंगे तो फिर प्रोडक्शन इसको कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको टर्मिनेट भी कर लेंगे Ctrl+C, CLS, और फिर से सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ, npm run server। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस की फाइल में बता देंगे साथ ही में सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, उसके बाद में लिख लेता हूँ ऑन।
फिर यहाँ पर नोड ENV को जो है टारगेट कर लेंगे, सो डॉलर कर्ली ब्रेसेस, इसमें फिर प्रोसेस का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, प्रोसेस डॉट ENV डॉट नोड अंडरस्कोर ENV, तो यहाँ से हमको पता चलेगा। देखिए, और यहाँ पे मैं आगे लिख लेता हूँ मोड, तो बेटर एक मैसेज हमको देखने मिलेगा, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080 ऑन डेवलपमेंट मोड। और यहाँ पर कुकी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि चलते हैं वापस कुकी के अंदर एक्सपायर सिन, या फिर फर्दर ऑप्शन में देख लेता हूँ एक बार, ऑप्शंस तो आने चाहिए। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि बाकी के ऑप्शन इसमें क्यों नहीं आ रहे, जैसे कि HTTP ओनली था ना, सो मैं देख लेता हूँ HTTP ओनली, और इसको हम करेंगे पहले शुरू, देख लेता हूँ क्या क्या वैल्यूज है इसके अंदर। चलते पोस्टमैन में, इसमें हमारे पास पाथ है, एक्सपायर है, एक्सपायर तो नहीं बता रहे ना, सो सेशन बेस है, तो देखते हैं इसको भी फिक्स कर लेंगे। HTTP और सिक्योर है, तो मैं सिक्योर ऐड कर देता हूँ पहले शुरू, यहाँ पर सिक्योर थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे। सिक्योर का मतलब क्या है कि ये फ्रंट एंड से कनेक्ट हो जाएगा, कॉर्ड्स का तो हम यूज कर रहे हैं, सो इतना कोई खास हमको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है ना प्रोसेस वेरिएबल की मदद से बता देंगे, प्रोसेस डॉट ENV डॉट नोड अंडरस्कोर ENV, क्योंकि देखिए हमें अभी पोस्टमैन में ट्राई कर रहे हैं ना, बाद में हमको फ्रंट एंड से इसको कनेक्ट करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस वेरिएबल की मदद से क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अगर ये डेवलपमेंट मोड में। मेक श्योर डॉट ENV की फाइल में आपने जो भी लिखा होगा ना, हमने क्या लिखा है, स्मॉल से लिखा हुआ है डेवलपमेंट, तो सेम स्पेलिंग यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेवलपमेंट, अगर ये है तब क्या करो इसको ट्रू कर लो, ट्रू फॉल्स की वैल्यू लेता है आई थिंक, ये चेक कर लेंगे, अगर कुछ भी एरर आता है तो इसको फिक्स कर लेंगे, एल्स इसको क्या करो फॉल्स करो, सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर एरर आ रहा है कुछ, अच्छा यहाँ कॉमा हो गया, ये है कोलन, सेव। अब ठीक है, चलते वापस पोस्टमैन के अंदर, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉडी पर क्लिक करता हूँ और फिर से हम सेंड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सिक्योर ट्रू आ रहा है, तो हमारी जो कुकी है वो सिक्योर हो चुकी है और ये ऑप्शन बराबर से काम कर रहा है। और एक्सपायर्स भी हम एक बार देख लेंगे, एक्सपायर्स का भी इशू आ रहा है, या फिर HTTP कर लेता हूँ पहले, फिर एक्सपायर्स पर काम कर लेंगे। और यहाँ पे सेम सिक्योर को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, कॉपी, और इसमें हम क्या करेंगे HTTP ओनली का भी यूज कर लेंगे, अगर हम डेवलपमेंट मोड में तभी इसको जो है ट्रू करेंगे, प्रोडक्शन पे इसकी जरूरत नहीं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट HTTP ओनली सेव। चलते वापस पोस्टमैन में, फिर से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर HTTP ओनली भी ट्रू हो चुका है, सेम साइट करके भी आता है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं, सेम इसी को आप क्या करें कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट। अगर आपको जो सेपरेट इसके लिए एक फंक्शन बनाना है तो आप फंक्शन भी बना के इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेम साइट, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस पोस्टमैन में, फिर से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर उसकी वैल्यू तो शो नहीं हो रही है, सो इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपायर्ड सीन है ना, तो एक्सपायर काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी देख लेंगे एक बार, कॉमा लगा के इसके बाद में देखता हूँ, एक्सपायर ऑप्शन शो करता है नहीं, एक्सपायर नहीं, ऐसा तो शो नहीं कर रहा है, इसी के अंदर होगा आई थिंक, इसी के अंदर यूज होता है आई थिंक, तो स्टार्ट में मैं ऐड करके देख लेता हूँ एक्सपायर, और इसमें जो है ना डेट का इस्तेमाल कर लेंगे, न्यू डेट, और इसमें कॉमा लगा देता हूँ मैं, डेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं सेम डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट डॉट नाउ फंक्शन, इसको हम कॉल कर लेंगे, सेव करके एक बार देख लेते हैं। चलते वापस पोस्टमैन में और सेंड पर क्लिक करता हूँ, अच्छा यहाँ पर देखिए इनिशियल टाइम पे ये एक्सपायर हो रहा है, तो नाउ फंक्शन तो बराबर से काम कर रहा है, इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको जो है ना इंटू कर देंगे, और इंटू में कितना कर, इसको 15 डेज कर लेते हैं एक बार, 15 इंटू 24, 24 आवर्स रहते हैं, उसके बाद में फिर मिनट्स है 60, उसके बाद में फिर हमारे पास 60 सेकेंड, और फिर 1000 मिली सेकेंड, राइट, ऐसे ही कुछ होता है ना, सो इसको एक बार जो है ना कंफर्म करिए गूगल में से, सेव कर लेते हैं इसको, फिर से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, ओके, तो स्टिल यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इंटरनल सर्वर एरर शो कर रहा है, इनवैलिड ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे एक और मिस्टेक हो रही है आई थिंक, यहाँ पे जो है ना स्टार नहीं है, यानी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं डेट को जो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे 15 डेज तक के इसकी वैलिडिटी रखने वाले, इसीलिए कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, सेव करके एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। चलते वापस पोस्टमैन में और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस टाइम बराबर से इसने ले लिया, देख सकते हैं आप, नेक्स्ट डेट है संडे 5th ऑफ नवंबर तक की, ये वैलिड है, तो इस तरीके से आप जो है टोकन का यूज कर सकते हैं और इसके अंदर फिर कुकी की मदद से इसको फर्दर इनहेंस कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं प्राइवेट राउट्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि इसी टोकन के बेस पे जो है ओपन होंगे, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए हमको फिर मिडलवेयर क्रिएट करना पड़ता है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर मिडलवेयर क्रिएट कर लेंगे, और फिर उसकी मदद से हम क्या करेंगे प्राइवेट राउट क्रिएट करेंगे।